ये बात 200 साल पहले की है। पोरबंदर के गांधी हवेली को राणा की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। सैनिकों को आदेश मिले थे कि हवेली के दीवान उत्तम चंद को उनके परिवार समेत खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि हवेली की रक्षा कर रहे थे मकरानी पहरेदार गुलाम खान मकरानी। गुलाम खान और उनके सिपाही सालों से दीवान की हवेली पर पहरेदारी कर रहे थे। ये सभी पहरेदार बलूचिस्तान के मकरान से आते थे। ये जंग लड़ने में माहिर होते थे और युद्ध के वक्त अपने मालिक की हिफाजत के लिए जान देने में भी गुरेज नहीं करते थे। अब एक तरफ राणा की पूरी सेना थी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर मकरानी पहरेदार, लेकिन गुलाम खान मकरानी पीछे नहीं हटे। उन्होंने दीवान और उनके परिवार को हवेली में ही बंद कर दिया और पोरबंदर की सेना पर टूट पड़े। भयानक जंग मची। दीवान का एक एक पहरेदार पोरबंदर की फौज पर भारी पड़ रहा था, लेकिन पोरबंदर की सेना को भी ये आदेश मिला था कि उन्हें दीवान उत्तम चंद गांधी के पूरे परिवार की हत्या करनी है, इसीलिए वो भी पीछे नहीं हट सकते थे। इधर हवेली से ये नजारा देख दीवान को लगने लगा कि उनका बचना मुश्किल है, लेकिन तभी इस घटना की जानकारी पोरबंदर में तैनात ब्रिटिश अफसर को मिलती है। इतिहास बताता है कि उस दौर में पोरबंदर अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और हर रियासत की तरह यहाँ पर भी अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को तैनात किया था। ब्रिटिश अफसर और दीवान उत्तम चंद के बीच अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को संदेशा भेजा। दूसरी तरफ उन्होंने पोरबंदर की राजमाता रूपाली बा को एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने अपनी सेना को नहीं रोका तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतिहास बताता है कि उस दौर में पोरबंदर की राजगद्दी पर बैठे थे महाराजा विक्रमाजी खिमोजी राज, क्योंकि वह महज 12 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे, इसीलिए उनकी माँ रूपाली बा दीवान उत्तम चंद के साथ मिलकर राजकाज का पूरा काम संभाला करती थी। ये चिट्ठी पढ़ते ही रूपाली बा की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन ये अंग्रेजों का ऑर्डर था इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन्होंने बहुत ही बेमन से एक चिट्ठी लिखी जिसमें जंग रोकने का फरमान था। ये चिट्ठी देकर उन्होंने एक सिपाही को गांधी हवेली भेजा। दूसरी तरफ गांधी हवेली को बचाते बचाते गुलाम खान मकरानी शहीद हो चुके थे और उनके आधे से ज्यादा साथी मारे जा चुके थे। पोरबंदर की सेना हवेली में घुसने ही जा रही थी कि तभी सिपाही वहां पहुंचा और रूपाली बा की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। इसमें पोरबंदर के सभी सैनिकों को तुरंत राजमहल लौटने का आदेश लिखा था। ये सुनते ही पोरबंदर के सैनिक रुक गए, वो वापस राजमहल लौट गए और दीवान उत्तम चंद गांधी का परिवार बच गया। अगर उस दिन ये परिवार खत्म हो जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। ये इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो पता चलता है कि ये वही उत्तम चंद गांधी थे जिनके परिवार में महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अगर पोरबंदर के सैनिक इनके परिवार को मिटाने में कामयाब हो जाते तो राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी कभी पैदा ही न होते और कोई नहीं जानता कि भारत का इतिहास कैसा होता। लेकिन यही इतिहास बताता है कि पोरबंदर के राजा और गांधी परिवार के रिश्ते तो हमेशा से ही बहुत अच्छे हुआ करते थे। पोरबंदर में ये परंपरा भी थी कि दीवान सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार से ही होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पोरबंदर की राजमाता ने अपने ही दीवान की हत्या करवानी चाही? सवाल ये भी आता है कि क्या इस घटना के बाद उत्तम चंद गांधी फिर से दीवान बन पाए? अगर हाँ तो महात्मा गांधी यहाँ के दीवान क्यों नहीं बने? इतिहासकार बताते हैं कि राजे रजवाड़ों से नजदीकी होने के कारण महात्मा गांधी के मन में नेहरू और पटेल से अलग राजाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। पोरबंदर का कीर्ति मंदिर आज भी अंदर जाकर उसी हवेली से जुड़ जाता है जहां पर महात्मा गांधी की हजारों कहानियां छिपी है। इन्हीं कहानियों को सुनने के लिए हमें चलना होगा देश की राजधानी दिल्ली से 1338 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र की ओर। समंदर गुजरात की पहचान है और इसी समंदर के किनारे बसा है सौराष्ट्र। आज गुजरात के 11 जिले सौराष्ट्र में आते हैं, लेकिन एक वक्त वो था जब इनमें से ज्यादातर जिले अलग अलग रियासत हुआ करते थे। इन्हीं रियासतों में से एक थी पोरबंदर।
जो आज अपने काठियावाड़ी कल्चर, हुजूर पैलेस और कीर्ति मंदिर के लिए मशहूर है। देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ कीर्ति मंदिर देखने आते हैं, क्योंकि यहीं पर जन्म हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी का, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। लेकिन इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी से पहले ये दीवान हवेली के तौर पर मशहूर था, क्योंकि यहाँ रहा करते थे पोरबंदर के दीवान। पोरबंदर द्वारिका से 100 किलोमीटर दूर है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा का ये गांव हुआ करता था, इसीलिए लोग पोरबंदर को सुदामापुरी भी कहते हैं। यहाँ आज भी सुदामा का मंदिर बना है। द्वापर युग के बाद यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहने लगे और लोथल में खुदाई के दौरान पता चला कि 1600 बीसी से 1400 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक शहर पोरबंदर में भी था। 10वीं सदी में पोरबंदर को पोरा वेला कुल कहा जाता था। उस वक्त तक यहाँ इक्का दुक्का लोग रहा करते थे। ये न तो कोई रियासत था और न ही यहाँ का कोई राजा था। लेकिन 12वीं सदी आते आते यहाँ जैतवा राजपूत आकर बसने लगे। ये पास के ही मोरवे में रहा करते थे। वक्त के साथ साथ पोरबंदर में इनकी आबादी बढ़ती गई। जैतवा राजपूत काफी बहादुर हुआ करते थे, फिर भी दूसरे राजपूत इनका मजाक बनाते थे, क्योंकि एक तरफ जहां जयपुर राजघराने के राजपूत खुद को भगवान श्री राम का वंशज, करौली और जैसलमेर के राजपूत खुद को यदुवंशी और श्री कृष्ण का वंशज बताते थे, वहीं जैतवा राजपूत खुद को हनुमान जी का वंशज बताते थे। दूसरे राजपूत ये सवाल करते थे कि हनुमान जी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, फिर उनका कोई वंशज कैसे हो सकता है। लेकिन रामायण में ही लिखा था कि हनुमान जी के पसीने से मकर ध्वज पैदा हुए थे, इसीलिए मकर ध्वज हनुमान जी के बेटे हुए और जैतवा राजपूत खुद को मकर ध्वज का ही वंशज कहा करते थे। अब राजपूतों में भले ही इस बात का मजाक बनता हो, लेकिन इतिहास की माने तो ये लोग बहुत ही अच्छे लीडर थे। एक बार जब इन्होंने पोरबंदर पर राज करना शुरू किया, तब से यहाँ पर इन्हीं का शासन चलता रहा। कितने ही हमले हुए, लेकिन कोई भी इनसे पोरबंदर नहीं छीन पाया। 14वीं सदी में पोरा वेला कुल का नाम रानपुर हुआ और फिर छाया नाम पड़ा। 1785 में जाकर इसे ऑफिशियली पोरबंदर नाम मिला। तब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बैठे थे। पोरबंदर के राजा मुगलों को टैक्स दिया करते थे और बदले में मुगल इनके राजकाज में कोई अड़ंगा नहीं लगाते थे। साल 1658 में जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना, तब उसने अहमदाबाद में मुगल सरदारों को नियुक्त किया। ये मुगल सरदार गुजरात की सारी रियासतों से टैक्स वसूला करते थे, जिससे औरंगजेब का खजाना भरता था। उस वक्त पोरबंदर, भावनगर जैसे समंदरी इलाकों पर बंदरगाह यानी कि पोर्ट बने हुए थे, जहां से देश विदेशों में पानी के रास्ते व्यापार होता था। लेकिन क्योंकि यहां समंदर थे, इसीलिए साइक्लोन भी यहां आते रहते थे। साल 1674 की बात है, भावनगर के गोगा पोर्ट पर एक भयानक साइक्लोन आया। इस साइक्लोन ने इतनी खतरनाक तबाही मचाई कि बहुत से व्यापारियों को भावनगर छोड़ना पड़ा। इन्हीं में से एक थे लालजी गांधी, जो गोगा छोड़कर जूनागढ़ आ गए। जूनागढ़ उस दौर में एक अलग रियासत हुआ करती थी, जहां बाबी नवाबों का राज था। लालजी यहां के कुटियाना गांव में आकर बस गए, जो पोरबंदर के ही करीब था। अब क्योंकि लालजी के पास बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उन्होंने कुटियाना में कई जमीनें खरीद ली और जमींदार बन गए। देखते देखते लालजी गांधी का रसूख और पैसा दोनों बढ़ता गया। कहते हैं कि लालजी इतने समझदार थे कि जब पोरबंदर के राणा से उनकी मुलाकात हुई, तो राणा भी उनके मुरीद हो गए। राणा ने लालजी को नायाब दीवान का पद ऑफर किया, तो लालजी ने उनके सामने ये शर्त रखी कि आने वाले 100 सालों तक पोरबंदर के दीवान गांधी परिवार से ही चुने जाएंगे। राणा ने लालजी गांधी को वादा किया और लालजी मान गए। 17वीं सदी के आखिर का वो समय था जब लालजी गांधी पोरबंदर के नायाब दीवान बने। इतिहास के माने तो उस दौर के नायाब दीवान यानी कि आज के दौर के प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त में बहुत से राजा महाराजा खुद अपनी रियासत का काम देखने की बजाय किसी समझदार या पढ़े लिखे शख्स को अपना दीवान बना देते थे। इसके बाद दीवान ही पूरा राजकाज देखा करते थे और राजा उनके काम में कोई दखलअंदाजी नहीं करते थे। लालजी के दीवान बनते ही पोरबंदर का पूरा राजकाज उन्हीं के हाथों में आ गया। पोरबंदर के लोग बताते हैं
कि यहाँ की तीन चीजें मशहूर हैं, राणा, पाणा और भाणा। राणा यानी कि पोरबंदर के राजा, पाणा यानी कि पोरबंदर का पत्थर और भाणा यानी कि भांजी लोजी घी वाला, जो बहुत ही पुराने समय से शुद्ध घी का व्यापार करते थे और उनका व्यापार आज भी चल रहा है। राणा मशहूर थे अपनी समझदारी के लिए। यही समझदारी उन्होंने दिखाई गांधी परिवार से दीवान का चुनाव करके, जो आगे चलकर उन्हें बहुत काम आया। वो ऐसे कि जब साल 1707 में औरंगजेब का देहांत हुआ, तब मुगल कमजोर होने लगे और मराठों ने अपनी ताकत बढ़ा ली। अब कुछ सालों बाद मराठे महाराष्ट्र से निकलकर अलग अलग जगहों पर कब्जा करने लगे थे। तब गायकवाड़ पहुंचे गुजरात में। गायकवाड़ ताकतवर थे, इसीलिए पोरबंदर के दीवान ने उनसे लड़ने की बजाय दोस्ती कर ली। वो एक फिक्स रकम टैक्स के तौर पर बड़ौदा के गायकवाड़ों को भेज दिया करते थे। बदले में गायकवाड़ों ने उनका राज बरकरार रहने दिया। इस तरह उन्होंने पोरबंदर के राणा की सत्ता को बचा लिया। अब सालों साल बीतते गए, राणा भी बदलते गए और दीवान भी। पोरबंदर में शांति थी क्योंकि गांधी परिवार के दीवान राणा के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से रियासत को संभाल रहे थे। साल 1770 में जब हरजीवन दास गांधी यहाँ के दीवान बने, तब उन्होंने एक घर बनाने की सोची। उन्होंने माणबाई नाम की एक गरीब महिला से उनका घर खरीद लिया, जो आगे चलकर गांधी हवेली में तब्दील हो गया। अब आया साल 1775, पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है। मराठे हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने भी यही किया। इससे जितनी भी रियासतें गायकवाड़ों के अधीन आती थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गईं। इन्हीं में से एक पोरबंदर भी था। तब हरजीवन दास गांधी ने कई दरबारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से बातचीत की और बहुत सारे फैसले पोरबंदर के हक में करवा लिए। इससे पोरबंदर में उनका रुतबा और भी बढ़ गया, जिसका फायदा मिला उनके बेटे उत्तम चंद गांधी को। जब उत्तम चंद दीवान बने, तब ज्यादातर फैसले वो ही लिया करते थे। कहते हैं कि राणा खिमोजी राज को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन समस्या तब बढ़ गई जब अचानक उनका देहांत हो गया। उनके बेटे विक्रमाजीत खिमोजी राज सिर्फ 12 साल के थे, इसीलिए अंग्रेजों ने उनका राज तिलक करके सत्ता की सारी बागडोर उनकी माँ रूपाली बा को दे दी। रूपाली बा और उत्तम चंद को एक साथ मिलकर राजकाज देखना था, लेकिन इन दोनों की आपस में ही नहीं बनती थी। उधर उत्तम चंद दीवान के ओहदे का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गांधी हवेली को बड़ा करवाया। उस दौर में इस हवेली में 22 कमरे हुआ करते थे और रोजाना 40-50 लोगों का खाना बनता था। यहाँ मकरानी पहरेदार तैनात रहते थे और सुख सुविधा के सारे इंतजाम हवेली में थे। उत्तम चंद गांधी का परिवार पोरबंदर के अमीरों में गिना जाता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। इतिहासकार बताते हैं कि राजकाज के ही किसी फैसले को लेकर रूपाली बा और उत्तम चंद के बीच ठन गई। इस पर रूपाली बा इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने पूरे गांधी परिवार को ही खत्म करने की ठान ली। पोरबंदर के सैनिक दीवान उत्तम चंद और उनके परिवार की हत्या करने में कामयाब भी हो जाते, लेकिन मकरानी पहरेदारों और अंग्रेजों ने उन्हें बचा लिया। कहते हैं कि गुलाम खान मकरानी ने गांधी परिवार के लिए जान दी थी, इसीलिए हवेली के पास में उनकी समाधि बनाई गई। ब्रिटिश अफसरों की दखलंदाजी से मामला तो शांत हो गया, लेकिन उत्तम चंद गांधी को पोरबंदर छोड़ना पड़ा। आगे के 10 साल यानी कि 1841 तक वो पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ चले गए। 1841 में राजमाता रूपाली बा के देहांत के बाद ही वो पोरबंदर वापस आए। उत्तम चंद गांधी के बाद उनके बेटे करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान बनते हैं। कहते हैं कि उस दौर में पोरबंदर से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों में माल जाता था और वहां से यहां के पोर्ट्स पर जहाज आते थे। इनकी वजह से कस्टम रेवेन्यू जनरेट होता था और पोरबंदर को अच्छी कमाई होती थी। यही कारण था कि पोरबंदर एक समृद्ध रियासत हुआ करती थी और दीवान करमचंद गांधी का परिवार भी संपन्न था। 2 अक्टूबर 1869 को उन्हीं के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहनदास। करमचंद गांधी ने अपने सभी बच्चों की तरह मोहनदास को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया, ताकि वो भी अपने दादा परदादाओं की तरह ही दीवान बन सके। बड़े होकर मोहनदास पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे,
इसीलिए उन्होंने पोरबंदर के राणा से ये अपील की कि वो 5,000 रुपए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दें। उस दौर में 5,000 रुपए यानी कि आज के 50 लाख रुपए राणा ने मोहनदास गांधी की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि पोरबंदर रियासत इतनी बड़ी नहीं है कि हम खजाने से आपको इतने सारे पैसे दे पाएं। कहते हैं कि उस वक्त राजा अगर किसी को पढ़ने के लिए वजीफा देते थे या कहें कि स्कॉलरशिप देते थे तो उनसे वो बकायदा एक बॉन्ड सिग्नेचर करवाते थे कि उन्हें पढ़ लिख कर वापस अपनी रियासत की सेवा करनी होगी। इतिहास में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसी तरह से एक बॉन्ड अंबेडकर ने भी साइन किया था जब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें अपने खर्चे पर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन पोरबंदर के राणा महाराजा भव सिंह जी माधव सिंह जी ने मोहनदास गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया था, इसीलिए उन्हें कोई बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ा। हालांकि वो विदेश जरूर गए। उनके पिता करमचंद गांधी ने 1888 में उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा, जहां पढ़ लिख कर वो बैरिस्टर बन गए। वापस आकर दीवान बनने के बजाय उन्होंने वकालत शुरू कर दी। जब वो 24 साल के थे तब एक केस लड़ने के लिए साल 1893 में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, जहां उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हुआ यूं कि जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे तब टीसी ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। वजह थी कि वो भारतीय थे और उनका रंग काला था। इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला सत्याग्रह किया और सत्याग्रही बन गए। इधर पोरबंदर के दीवान का पद उनके चचेरे भाइयों ने संभाला। साल 1908 में पोरबंदर के राजा बने महाराजा नटवर सिंह। नटवर सिंह काफी प्रोग्रेसिव विचारों के थे। वो किताबें लिखते थे, म्यूजिक कंपोज करते थे। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में उनकी काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने पोरबंदर को तो डेवलप किया ही, अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत महल हुजूर पैलेस भी बनवाया, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था। क्रिकेट उन्हें पसंद था और क्योंकि वो महाराजा थे इसीलिए भारत की पहली टेस्ट मैच टीम जो इंग्लैंड गई थी उसकी कैप्टनशिप भी उन्हें ही दे दी गई। लेकिन वो अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी नहीं थे। पूरे टूर में उन्होंने सिर्फ 8 ही रन बनाए। तब अंग्रेजों ने उनका मजाक बनाते हुए कहा कि ही हैड मोर रोल्स रॉयसेस The run that he all। तब उन्होंने कैप्टनशिप सीके नायडू को दे दी और खुद पूरी तरह पोरबंदर का राजकाज संभालने लगे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार अलग अलग आंदोलन चलाते रहे। 1929 में वो आखिरी बार पोरबंदर आए थे, जहां पर महाराजा नटवर सिंह भी उनसे मिले थे। महाराजा के मन में महात्मा गांधी के लिए काफी सम्मान था। वहीं दूसरी तरफ गांधी के मन में भी रजवाड़ों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। इसीलिए जब 1930 में रजवाड़ों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में स्टेट कॉन्फ्रेंस बनने लगी तब गांधी जी ने उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। साल 1945 में जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तब पोरबंदर के बिजनेसमैन नानजी कालिदास मेहता को लेकर महाराजा नटवर सिंह महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे। नानजी कालिदास मेहता जूही चावला के दादा ससुर यानी कि जय मेहता के दादाजी थे। नानजी मेहता और राणा नटवर सिंह ने महात्मा गांधी से उनकी हवेली को एक म्यूजियम में तब्दील करने की परमिशन मांगी। जब गांधी जी राजी हो गए तो 1945 में म्यूजियम बनने का काम शुरू हो गया। 5 साल लगे इसे बनने में, लेकिन इसी बीच बहुत कुछ बदला। 1947 में देश आजाद हो गया और राजे रजवाड़े खत्म हो गए। राणा नटवर सिंह ने पोरबंदर का विलय सौराष्ट्र यूनियन में कर दिया। उधर 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब उनका देहांत हुआ तब उनकी उम्र 79 साल की थी, इसीलिए कीर्ति मंदिर की हाइट भी 79 फीट रखी गई और यहां पर 79 दीपक बनाए गए। 1950 में ये कीर्ति मंदिर बनकर तैयार हुआ तब सरदार पटेल ने ताला खोलकर इसका उद्घाटन किया और इसी म्यूजियम से गांधी हवेली का रास्ता जाता है, जहां आज भी महात्मा गांधी और उनके परिवार की यादों को संजोकर रखा गया है। लेकिन अफसोस कि महाराजा नटवर सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनकी यादों को संजोने वाला भी कोई नहीं बचा। पोरबंदर के राजे रजवाड़े अब सिर्फ कहानियों में ही बचे हैं
और इसी तरह की कहानियाँ इतिहास के पन्नों से निकालकर हम आपके लिए लेकर आते हैं और पूरे फैक्ट चेक के बाद आपको सुनाते हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ एक मिनट में सुनने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।